बजेगा डंका, बजेगा डंका उसके लाश पे इस रावण के नाम का, मेरा ही नाम होगा मंदिरों के कोने कोने में, मेरा ही नाम होगा इस धरती और उस आकाश के ऊपर। घमंडी राजा जनक, तूने अपमान किया है मेरा, बार अपमान। तुझ राजाओं को निमंत्रण दिया, रावण को भूल गए, जिसके नाम का डंका तीनों लोगों में बजता है। मेरे सामने इन राजाओं की क्या मिजाज, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ। शिव से वरदान पाने वाला रावण हूँ, रावण। कर लेंगे ये छोकरे, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, कौन जानेगा दुनिया में इस रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए इस क्या लेख हम को। बड़ी भूल की जो अपनी जगह से उठ गया और अपना बना बनाया डर खो दिया। ओहो, मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं जाता हूँ। आएंगी बहारे खिलेंगे फूल, रही जिंदगी तो जीते मिलेंगे जरूर। होता पहले से मालूम मुझे।
अगर मैं कभी भी सवंबर शोक सीता उम्र बड़ तुम्हारी रही मगर बरसात बांको काली हो गई और छत्री पंच का करीब खात्मा हो गया। जय मुनि सी कमान जैसी के लिए सारा कचरी मंडल हराना। अब तो छत्री इसका बनना गया इनका किसी नपेश की जगह बताया जाए और अपनी जगह से नहीं हलाया जाए। इनसे बाजी की इच्छा रखना बिल्कुल बेसूद है क्योंकि इनमें वीरता और बल का नाबूद है। अगर मैं पहले से जानता तो हार के स्पंदन का अलादा नहीं चाहता। मगर अब क्या हो सकता है, जो प्राण कर चुका हूँ उसका निभाना पड़ा और तमाम उम्र पिता को घर पर बताना पड़ा। इन तारों के गले मरने से तो अच्छा है सीता कुमारी ही करना रहे। सबंबर प्रकाश मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और अपने औरतों में बैठकर शेखी जिताइए। और सुबह इन नारा इन नोरा सुबह
पीछे पढ़ना होना अगली बारी ना घूमना ना करना किसी को घर पर बुलाकर किसी का मार करना सबको एक लकड़ी तुमने सबको सोचते हो सामने वाला क्या विचारते हो क्या दिलाते हो भाई मुझे निकालते हो बदतमीजी का मजा इसी समय चढ़ा लेता और एक पल में खून की नदियां मार तो क्या करूं बड़े भाई क्या क्या ना मेरे से लक्ष्मण मजबूर है अन्यथा तुम्हारी क्या मजदूर है जो ऐसा युवा से निकल और हर एक को मुंह में डालते जब तक सूर्य बंजी खा जाएगा एक भी बच्चा दुनिया में बाल है छतरी बचपन तक बाल करे किसके मजाल है जो कुछ कहा सो कहा अब आईंदा के लिए युवा को लगाम दीजिए और मुंह संभाल ये था कड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मेला बालों के अब वो कोरा दिते तैयार हो गया जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो समय सिपाया तेजी में आना उचित नहीं और बल्लू चेली ना की जंग का ऐलान किया है इस समय मुझे बेचारा खुद ही निराश हो रहा है उनकी सब कामना का नाश हो रहा है तुम्हारी बेमुखा के जी ब्राह्मण कब का इंतजाम ले रही है और उनके शक्ति दिल पर नमक का काम कर रही है सॉरी अभी यार तुम्हारी बात में कोई शक नहीं किंतु रामचंद्र जी की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का हक नहीं और तुम्हें अभी इन जमेलों में पढ़ने की क्या जरूरत है समझदार है हर तरफ से मालिक और मुख्तियार है उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए और जो कुछ मैं कहे वही करना चाहिए काश नहीं ये सब अनुष्या का या बेमानी
में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। जा रही छतरी वंश की आन और सारा मंडल की बेजान सिर झुकाए हुए और एक हैरान तुम जवान तक लाने की ताकत नहीं। शदरा जा जनक के गजब डारे शदरी बैठे खूने जिगर खारे बाकी ये किस काम के नाए रहे गोया उठ कर भी जाने के ताकत नहीं। प्राता जी देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत और हुरमत मिट्टी में मिला रहा है। अगर ये सब के सब ऐसे ला गुलाम है गोया इसके खरीदे हुए गुलाम है, ना बात करने की लियाकत है ना जुबान हिलाने की ताकत है। हाय हाय कौमी आंट पर जान गंवाने वाले और आन के बदले जान गुमाने वाले किस बेहयाई से क्षत्रिय कुल पर दब्बा लगा रहे हैं और शर्म के मारे सिर नीचा किए हुए गालियां खा रहे हैं। जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है, ये समझो मौत के अक्सर बिछा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसे बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे शब्द सुनने की ताकत नहीं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक है और मेरी तलवार है, पहले इस पुरानी कमान को चकनाचूर करूंगा फिर जनक का सिर डर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तू लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तू लक्ष्मण करो समाई। तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई तू लक्ष्मण करो समाई। अच्छा नहीं मेरे भाई जो करोगे तुम पागल क्या मेरे पीछे पैसे हैं तो कुल की होगी हानि, जो करोगे तुम नादानी तो कुल की होगी हानि। मैं
बसाई तू कलक्षण करो समाई करना अच्छा नहीं भाई तू कलक्षण करो समाई जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही बोलो जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही बोलो है इस में ही लड़ाई तू कलक्षण करो समाई लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई लक्ष्मण करो समाय डर पिता जी सुन पाएंगे हम उनको दमकाएंगे डर पिता जी सुन पाएंगे हम तुमको दमकाएंगे ओ जग में ही सुसवाई तू कलक्षण करो समाए लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तू कलक्षण करो समाए अरे बहादुर भाई ये तुम्हारा केवल ख्याल है अन्यथा तुम्हें काय और बुद्ध कहने की किसकी मदद तुम्हें अशब कहे और रामचंद्र सुनता रहे जब मैं तुम उसको हाथ तक नहीं लगाया फिर तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे है वक्ता को से ना हिला सके वह किस गणना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं इसलिए तुमको हरगिज विचार नहीं करना चाहिए और दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है अगर पिताजी सुन लेंगे और हम दोनों को सख्त सजा देंगे